हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में निर्माणाधीन एम्स हॉस्पिटल में विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में मजदूरों ने किया हंगामा। सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां, सैकड़ों मजदूर सामान सहित कंपनी के बाहर हुए इकट्ठा। विभिन्न राज्यों से आए मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोल दिया। घर जाने की जिद पर अड़े रहे मजदूर, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर मजदूरों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मजदूर अपनी जिद पर अड़े रहे। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया कि उनका 40 दिन का वेतन नहीं दिया, राशन का पैसा वेतन से काटा गया, सोशल डिस्टेंस का पालन ना करते हुए एक ही कमरे में 10 से 15 लोगों को रहने की व्यवस्था की गई। मजदूरों का कहना है कि यहाँ रहकर ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, एक एक कमरे में कई कई लोग रहते हैं, एक बाथरूम में 200 लोग जाते हैं, ऐसे में हमें घर भेज दिया जाए। बिलासपुर के अतिरिक्त उपायुक्त विनय दीवान ने मजदूरों के खाते में जल्द वेतन डालने व घर जाने के इच्छुक मजदूरों के लिए 4 काउंटर बनाकर कोविड-19 ई पास में रजिस्ट्रेशन कर भेजने और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मजदूरों के रहने व खाने पीने की उचित व्यवस्था करने के आदेश एनसीसी कंपनी को दिए। कि आप कंपनी से बात करो, हम एक ऐसा सजेशन दिया तो हम लोग सिक्योरिटी वाले मिलकर उसके बाद से हमको कंपनी में ले जाकर हड़काया गया। बोला कि तुम्हारी जिंदगी पर जमानत नहीं होगी। सर, क्या हम किसी का चोरी कर रहे हैं? हम तो सिर्फ हक के बात कर रहे हैं सर। हाँ, ये भी हमें धमकाया जा रहा है, हमें डरवाया जा रहा है कि तुम कंपनी का लीडर हो गए हो, नेता हो गए हो, तुम्हें हम ये करवा, जमानत नहीं होगा सर, पुलिस में डलवा देंगे क्या सर? अगर हम अपने हक के स्वतंत्र भारत है, हम स्वतंत्र नागरिक हैं, हम स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं? ये दुनिया में सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, हर इंसान चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं। ये जो है यहाँ के जो भी ऑफिसर हैं, बड़े पोस्ट पे हैं, सब लोग ब्रिटिश सरकार के नियम लगा रहे हैं, इन लोगों से मजबूरी में काम कराया जाए। जो इंसान काम नहीं करना चाहता उसको क्यों मजबूरी में काम कराना है सर? उन लोगों को सुरक्षित घर पर भेजो। आप लोगों से दरखास्त है, सरकार से निवेदन, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सारे जितने हैं मजदूर भाई, सब लोग रिक्वेस्ट करें, अपने अपने घर जाने की इच्छा है। यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंस रखो, एक इंसान से दूरी रखो। आप साहब भी बोल रहे कि एक यहाँ से एक इंसान से दूसरे स्थान पर दूरी रखो। क्या एक रूम में भेड़ बकरी की तरह रहते हैं? एक बाथरूम में 200 आदमी पटे जाते हैं, एक साथ 300 आदमी नहाते हैं, ये क्या क्या है सर? इसमें सिस्टम कोई नहीं है, बस बात करना है कि सोशल डिस्टेंस क्या क्या रखा जाए। मुझे इंटीमेशन आई के एम्स में कुछ प्रॉब्लम हुई है और वहाँ के कुछ एक मजदूर जो हैं वो ओपन में आ गए और उन्होंने ये डिमांड की कि उनको घर भेज दिया जाए। तो उस रेफरेंस के तहत मैं वहाँ पे गया था, मेरे साथ एएसपी बिलासपुर और सब्सिक्वेंटली एसपी बिलासपुर भी वहाँ पहुँचे थे। हमने वहाँ की जो मैनेजमेंट है उनसे बात की और साथ में जो जितने भी उनके कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे भी बात की और जितने मजदूर बाहर के बहुत सारी स्टेट्स के यहाँ पे एम्स के काम में कार्यरत हैं, उन जो लोग घर जाने की डिमांड कर रहे थे उनसे भी बात की। हमने ये पाया कि उनके दो इशू मेन थे, एक तो वो घर जाना चाहते थे और दूसरा जो सैलरी थी वो कहते कि हमें अभी तक सैलरी नहीं दी गई है। तो उसके बारे में हमने मैनेजमेंट को डायरेक्शन दी है कि यथाशीघ्र जो है वो उनकी सैलरी उनके अकाउंट में डाल दी जाए और साथ ही सभी लोगों को ये कहा है कि वहाँ पे जो 4 काउंटर जिसको हमने मैनेजमेंट को एस्टैब्लिश करने को बोला है उसमें अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन हमारे covid-19epass.hp.gov.in पे जो है वो उस फैसिलिटेशन के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर किसी के पास स्मार्टफोन है तो वो डायरेक्टली भी उसको कर सकते हैं। मैनेजमेंट के पास उन सभी के डिटेल्स ऑलरेडी हैं। जैसे ही क्योंकि सरकार की स्तर पे नोडल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किए जा चुके हैं और जितने भी हमारे पास ये जो डाटा है जैसे ही एकत्रित हो जाएगा उतने जो विलिंग है जाने के लिए उनके डिटेल्स हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि उसके जो आगे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है इन लोगों की, वो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था जो है वो सरकार के स्तर पे दूसरी जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ बातचीत करके जो है वो व्यवस्था बना दी जाएगी।
जैसे ही वो व्यवस्था बनती है, हम जो विलिंग है जाने के लिए, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होगी, उनको प्रायोरिटी पे यहाँ से डिस्पैच करेंगे। कुछ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर की बात सामने आई है, तो उसके लिए भी कुछ आदेश दिए गए आपकी तरफ से? जी, हमने मैनेजमेंट को आदेश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो है वो टाइम टू टाइम डायरेक्शंस दी हैं, और हर लॉकडाउन से पहले सोशल डिस्टेंसिंग की अपील जो है वो हर स्तर पर हर अथॉरिटी की तरफ से आ रही है। तो हमने मैनेजमेंट जो एम्स है उनको कहा है कि जितने भी वहाँ पे मजदूर हैं उनके सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था बनाई जाए।